और गुड मॉर्निंग एवरीवन, हियर आई एम सेंसेई आकाश कुमार राय, कोई लास्ट वर्ड मत। इसका नाम है और इसको मैंने अभी चलाया और इसके बाद मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को नानचाकू का स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। इससे आप लोग प्रैक्टिस करके नानचाकू चलाना सीख सकते हैं। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू से स्टार्ट करके धीरे धीरे आप लोगों को करके दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में वेपन्स है जिसका नाम नानचाकू है। इसको हम लोग यहाँ ऊपर की ओर पकड़ेंगे और इसके बाद हम लोग इसको चलाने का शुरू करेंगे। और फर्स्ट स्टेप में आप लोग देखिएगा कि इसको चलाते कैसे हैं। तो हम लोग यहाँ से रखेंगे और पहले तो हम लोग इसको रोटेट करेंगे ताकि हम लोगों को अनुभव हो कि किस प्रकार से नानचाकू को चलाते हैं, ताकि हैंड में मजबूती आए। जब तक हैंड में मजबूती नहीं आएगी तब तक आप लोग चला नहीं सकते। तो पहले हम लोग इसको रोटेट करेंगे, ऐसे 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 पूरा फास्ट रोटेट करेंगे, फिर इसको अपोजिट साइड में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस हैंड में लेते हैं, ऐसे चेंज करेंगे, फिर इधर रोटेट करेंगे, पूरा फास्ट रोटेट करेंगे। इससे क्या होगा, हैंड में ताकत आएगी जिससे हम लोग नानचाकू चला सकते हैं। फिर इसको अपोजिट साइड में रोटेट करेंगे, उसके बाद हम लोग ये लेते हैं। इतना करने के बाद आप लोगों को हाथ में जो भी है मजबूती आ जाएगी। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। तो शुरू में मैं बताना चाहूँगा, यहाँ से हम लोग नानचाकू पकड़ते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से इस हैंड को छोड़ते हैं और उसके बाद यहाँ से कैच करते हैं, ठीक है। फिर इसको यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ से कैच करेंगे। ध्यान से देखिए, ऊपर वाला जो हैंड का पोर्शन है, ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग छोड़ते हैं और फिर इधर से ला करके यहाँ नीचे से कैच करते हैं। फिर ऊपर वाले को छोड़ेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे फिर पकड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे फिर पकड़ेंगे। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं, जो ऊपर वाला पर्सन है धीरे धीरे छूटता है और फिर इस कंधे से आकर के नीचे की ओर, ये हम लोग बैक से नहीं पकड़ेंगे, इसको फर्स्ट में नीचे से यहाँ की ओर पकड़ते हैं, फिर इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। इसी को हम लोग फास्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को गौर करना होगा यहाँ पर कि ये जो मेरा एल्बो है, एल्बो का जो पर्सन है, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा पूरा स्ट्रेट। इससे क्या होता है कि जब ये भाग जब आता है तो यहाँ चोट लग, ऐसे रहेगा तो यहाँ चोट लगने की समस्या रहेगी, ज़्यादा चोट लग सकता है। अगर ये एल्बो ऐसे रहे तो चोट नहीं लगेगी, इसीलिए हैंड को ऐसे रखेंगे, ध्यान रहे एल्बो को पूरा साइड में रहेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और